यस, रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। महोदय, नई दिल्ली में हुई लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को विदेश नीति की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है, विराम। आश्चर्य है कि राजधानी के समाचार पत्रों ने इसे अनदेखा कर दिया, विराम। कुछ समाचार पत्रों ने तो लोकदल संबंधी समाचार ही नहीं दिया, और जिन्होंने दिया उन्होंने विदेश नीति के बारे में पार्टी की नई नीति का उल्लेख नहीं किया, विराम। लोकदल एकमात्र गैर कम्युनिस्ट प्रमुख विपक्षी दल है जिसने खुलकर अमेरिकी नीतियों पर प्रहार किया है, विराम। इस विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि लोकदल विदेशी नीति की मुख्य धारा में आकर असली गुटनिरपेक्षता के प्रचारकों के स्पष्ट रूप में अलग हो गया है, विराम। पैरा, लोकदल के प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत सोवियत मैत्री दोनों देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है, विराम। राष्ट्रीय सहमति पर आधारित भारत सोवियत संबंधों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, विराम। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भारत सोवियत मैत्री को सुदृढ़ करना ऐतिहासिक आवश्यकता हो गई है, क्योंकि रूस हमारा पड़ोसी ही नहीं हमारा हितकारी भी है, विराम। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक कभी कभी सोवियत संघ और अमेरिका को महाशक्ति बताकर समकक्ष रखने की मूर्खता करते हैं, विराम। निसंदेह इस तरह के प्रयासों से सिर्फ अमेरिका के विस्तारवादी इरादों को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह लोकदल ने सोवियत संघ और अमेरिका को एक ही तराजू में तोलने की नीति का विरोध किया है, विराम। पहरा, लोकदल का मानना है कि हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के कारण भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो गई है, विराम। अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है, यह जानते हुए भी कि ये हथियार आखिर भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल किए जाएंगे, विराम। इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, विराम। यही नहीं, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल का भी विचार किया था, विराम। पहरा, उत्तर भारत का एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण लोकदल साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता है, विराम। अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा ही यह समर्थन व्यक्त किया जाता रहा है, विराम। यहाँ भी लोकदल की विदेश नीति में एक नए तत्व का प्रवेश दृष्टिगोचर होता है, विराम। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत है, विराम। लोकदल ने नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए इस बारे में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की घोषणाओं का स्वागत किया है, विराम। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि नाभिकीय और अन्य प्रकार के अस्त्रों की अंधाधुंध होड़, अंतरिक्ष युद्ध योजना और रासायनिक युद्ध की तैयारी से विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया है, विराम।
इसका एकमात्र समाधान है पूर्ण निस्त्रीकरण विराम। आज की दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी घरेलू मामलों तक अपने को सीमित नहीं रख सकती विराम। अतः भारत को अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति स्पष्ट नीति स्वीकार करनी ही होगी और गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि क्या अमेरिका हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा तो नहीं और क्या सोवियत संघ से इन हितों की रक्षा होती है विराम। अगर किसी देश में भारत को खतरा है तो उस देश की मित्रता करने का कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ ही साथ उससे शत्रुता रखना भी ठीक नहीं विराम। अतः मेरा निवेदन यह है कि भारत को चाहिए कि रूस से मित्रता रखने के साथ साथ अमेरिका को अपना शत्रु न समझे और उसके साथ भी मित्रता का व्यवहार करता रहे विराम। एक दिन अमेरिका स्वयं महसूस करेगा कि भारत की स्थिति क्या है और वह क्या चाहता है विराम।